नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरियाणा में दूसरा दिन रहा। दो दिन के अंदर हरियाणा में यात्रा को लेकर जमकर वार पलटवार देखा गया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर सरकारी तंत्र के इस्तेमाल के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी जनता के हित में जनता तक योजनाओं का फायदा पहुंचाने का दम भर रही है। चर्चा होगी यात्रा को लेकर, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ...2024 के मद्देनजर सभी दल इन दिनों चुनावी मोड पर हैं। बीजेपी देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाई जा रही है, योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है, लिहाजा अब हरियाणा में भी यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में यात्रा पर वार पलटवार भी तेज हो गया है। हरियाणा में कांग्रेस विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जनता अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की यात्रा निकालने वाली है। जन जन तक पहुंचाने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोडवेज की बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जन जन तक पहुंचाने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोडवेज की बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका सवाल जुमलेबाजी कर कुछ भी नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है। विकसित भारत की बात कर रहे हैं, भारत को पूरी तरह से बहुत पीछे ले गए। आज पूरा जो भी संसाधन जो पब्लिक सेक्टर के थे, जो बनाए थे पिछली सरकारों ने और विशेषकर कांग्रेस सरकार ने, उन सबको जो है एक एक करके बेचा जा रहा है, जल थल नभ सारे बेकार। तो विकसित भारत को इनको सिवाय इनके पास में कोई कार्यकर्ता अपने नहीं बचे, अधिकारियों के जिम्मे लगा रहे हैं, सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं इनको, वो डिफेंस पर्सन को इस्तेमाल करने के लिए। उधर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथ लिया है। देखो कोई करा लो, चौधरी भूपेंद्र डाले लो, हम तो पैसे चाहिए, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में तो जो भी अगर मान लो कोई कार्यक्रम सरकारी होता है हम पैसे लेते हैं, कोई सरकारी कार्यक्रम है उसके पैसे लेते हैं, हम तो देते हैं भाई, हमें तो पैसे दो, सरकारी हो प्राइवेट हो हमें तो पैसा चाहिए। और जानकारी होती तो पूरी वो नहीं बताते, कहते इस बात को। अगर मान लो कोई कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, कोई रैली है, अगर कोई आदमी व्यक्ति कहता है हमें बस चाहिए, हम दे देंगे उसको। जनवरी तक यात्रा है, हम हर गांव में जाएंगे, मतलब हर पंचायत में जाएंगे। पूरे देश में यात्रा चल रही और हर पंचायत में जो सरकारी अधिकारी हैं वो चलते हैं, साथ में और लोग भी साथ हैं उसके, और जो भी लोगों की समस्या होती है हमारा प्रयास रहता है उसको समय पर उसके साथ तुरंत उसको हल किया जाए। जाहिर है विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास और दावा किया जा रहा है। वहीं विरोधी दल यात्रा को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि यात्रा का आमजन और आगामी चुनाव पर क्या और कितना असर रहता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। वंदना पोपली प्रवक्ता बीजेपी, केवल ढेंगरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलू, नरेश शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं, राजेंद्र जादू वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत वंदना जी आपसे, आप लोग दावा कर रहे हैं कि सरकारी योजनाएं जनता तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन विरोधी लगातार हमलावर हैं आपकी इस यात्रा को लेकर। ज्योति आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। एक तो मेरी आवाज इको हो रही है, तो मैं क्योंकि मुझे दोबारा से सुनाई देगी तो मुझे बोलने में मुश्किल आएगी, तो मैं इसको एक बार हटाकर फिर बोलना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले ज्योति इसको ठीक कराइएगा प्लीज। हाँ, इसको ठीक कराइएगा प्लीज। सबसे पहले तो ज्योति मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां तक विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात यहाँ पर कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, मुझे लगता है ये सीधी सीधी सी बात है, ये कोई भी समझेगा कि अगर सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचानी है तो सरकार का ही पैसा उसमें लगेगा और कोई तो बीच में आएगा नहीं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, बाकी मंत्री हैं, सभी इसमें विधायक हैं, सभी इसमें इन्वॉल्व है। हम ये मानते हैं कि ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं माफ कीजिएगा, जो हमने जनता के लिए बनाई है, अगर वो किसी कारण से लोगों के पास नहीं पहुंच पाई है, वैसे तो बहुत हद तक हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया है कि ताकि जो लोग हैं वो अपनी योजनाओं के लिए आपको उनको कहीं दूसरों के धक्के नहीं खाना पड़े, लोगों के पास नहीं जाना पड़े, तो मोबाइल के थ्रू वो
योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है फिर भी लोग रह जाते हैं, तो उन योजनाओं के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है सरकार आपके द्वारा। इसी को तो कहा जाता है कि आपके पास आए हैं, आपकी योजना में कहीं रह गए हैं, आप ये किसी योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं तो उस योजना का लाभ ले लें। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात है, और तो उनको कुछ समझ नहीं आता कभी भी कोई अच्छा स्टेप पूछ लिया जाए विपक्षी पार्टी से, सरकार आपके जो सरकार है उसने कुछ अच्छा काम किया इस समय क्यों नहीं करा, उस समय करना चाहिए था। और अब यहाँ पर ये पैसों की बर्बादी का इतना बड़ा इशू उठा रहे हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले मुंह बंद करना चाहूंगी केवल धिंगड़ा जी का, ये एक न्यूज क्लिप है मेरे पास, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो बहुत क्लियर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर एक इसमें इन्वॉल्वमेंट ना भारतीय जनता पार्टी का है ना किसी और का है, यहाँ पे एक एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर, उन्होंने बड़ा क्लियरली पकड़ा था कि हुड्डा सरकार में 89 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ था और इसमें सरकारी पैसे से अपनी छवि चमकाने की बात थी। और सबसे बड़ी बात, जो हरियाणा नंबर वन बोल बोलकर जो आंकड़े दिए जा रहे थे वो सारे आंकड़े झूठे और भ्रामक थे। और ये मैं नहीं कह रही, एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने पता कराया था और उसके बाद आरटीआई में निकला था और उसके बाद कोर्ट ने इसके बारे में कहा था कि जो सारे आंकड़े वो भ्रामक थे, झूठे थे, जिन आंकड़ों के दम पर ये बार बार कहते थे कि हमने हरियाणा नंबर वन बना दिया। तो आप यहां पर एक जो बॉक्स है उसमें भी देख पा रहे होंगे, ये क्लियरली यहां पर मेंशन है कि किस प्रकार से भ्रामक तथ्य दिखाकर सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है। यहां पर ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, ये सरकार की यात्रा है, जनता के लिए है, तो जनता के लिए ही तो किया जाएगा। आप एक बात बताइए, जब हम कहते हैं कि 2047 तक जो भारत है वो विकसित हो जाएगा, हम उसको विकसित बनाने की तरफ अग्रसर है, तो एक उनका जो लोगों का तरीका है रहने का वो भी बदलना चाहिए, उसके लिए उनको प्रशिक्षित करना, उनको बताना, ये सब भी इस यात्रा का उद्देश्य है। मैंने खुद देखा कि किस प्रकार से जब रेवाड़ी में भी यात्रा आई तो जो लोग हैं फिर भी अगर कहीं किसी कारण से रह गए तो वो अपनी योजना में उनको अपने आप को एनरोल करा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह ज्योति, मैं मानती हूँ कि ठीक है हम सबके पास मोबाइल है, हम लोग फेसबुक पे दिख जाते हैं, इंस्टाग्राम पे दिख जाते हैं, लेकिन कई बार हम योजनाओं को स्क्रोल करके नहीं देखते, चेक करके नहीं देखते कि वहां पर क्या चल रहा है, तो उस स्थिति में भी ऐसा ना हो कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य एक व्यक्ति भी नहीं रह जाए जिसको योजनाओं का लाभ ना मिले। उसके लिए योजना चलाई गई है, सरकार चला रही है, जानकारियां पहुंचाने या फिर योजनाएं पहुंचाने में देरी नहीं हो गई क्या बन्ना पोपली जी? 6 महीने बचे चुनाव के, राजी कह रहे हैं दीपेंद्र, शायद आपने हेडफोन्स आपने निकाल दिए, मेरा सवाल आप नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ, आप अपनी बात कह चुके हैं। केवल ढिंगरा जी, आप लोगों को, आपकी पार्टी को क्या परेशानी है इस यात्रा से? नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम सिर्फ इनके जो कलाई है ना उसको खोलने का काम करते हैं। जिस तरह से हमारे टाइम के अंदर पर कैपिटा इनकम के अंदर हरियाणा नंबर वन था, आज भी मैं कह रहा हूं, इनकी पीपी कपूर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, 5 साल 9 साल में इन्होंने क्या कार्रवाई की ये बताने ना उस बारे में, लेकिन 9 साल में बीजेपी की सरकार ने हरियाणा का भट्ठा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब लोगों के बीच में 9 साल के बाद जाकर क्या कहेगी, क्या क्या काम करेगी? हर वर्ग को तो पिटने का काम किया, किसान पिट गया, कर्मचारी पिट गया, बिजनेसमैन पिट गया, जब सभी वर्ग पिट गया उसके बाद अभी भी जो खट्टर सरकार से हर जो लोग हैं वो दुखी है, और जो धोखा देने वाली सरकार है लोगों को, कहना कहना कुछ और करना कुछ, ये सरकार अब जाने वाली है। और आपको ये बता दूं, ये जो दूसरी बार सरकार बनी ना उसमें जेजेपी ने ये कहा था कि हम जेजेपी हम जो है बीजेपी को यमुना पार लगा आएंगे, आपने देखा होगा 10 सीटें लेकर यमुना पार तो नहीं लगा पाए, इन्हीं की गोदी में बैठ गए जाकर के। और उसके बाद आपको ये बताना हूं, जो हालात इन्होंने हरियाणा के वर्गों की है, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो, बिजनेसमैन हो, एजुकेशन टीचर हो, लेक्चरर हो, आंगनवाड़ी हो, सरपंच हो, ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हो, और भी कितने समुदाय हैं, जितने समुदाय हो सभी को पीटा है। अब पीटने वाले जो हैं अब क्या 9 साल के बाद करने जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं। अब वोट किस बात की मांगने जा रहे हो भाई, जब उन्हीं तो पहले पीट लिया, अब उन्हीं से वोट मांगने जा रहे हो। अब दूसरी बात आती है कि जो ये कह रहे थे हमने बड़ा अच्छा काम किया, भाई साहब आपने तो 4.5 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा चढ़ा दिया प्रदेश के ऊपर, काम क्या किया वो बताए ना, उपलब्धि क्या है, कोई बिजली का प्लांट कोई लगा दिया हो,
कोई आपने कोई स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे हमने जो काम किए थे, हमने बिजली के प्लांट भी लगाए थे, सड़कें भी बनाई थी, हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनाए थे, हमने मेडिकल के भी कॉलेज बनाए थे, हमने बहुत सारी चीजें करी थी। आप लोगों ने इसमें क्या किया बताइए ना थोड़ा सा। मेट्रो का विस्तार हमने किया था, कोई एक इंच मेट्रो अगर विस्तार किया हो, कोई बढ़ाई हो तो बताएं कौन सी बढ़ाई आपने। ये जो कहानियां हैं इनसे लोग अब थक चुके हैं इनसे। हाँ, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। 2 लाख तो कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं जो ये भर्ती नहीं कर पाए। हम 10 गरीबों को प्लॉट देते थे, 3,82,000 हमने प्लॉट दिए थे, इन्होंने एक भी नहीं दिया। ये जो सरकार गरीबों के अगेंस्ट सरकार रही। अच्छा, जो हम सिस्टम लागू कर रहे थे वो सारे सिस्टम बंद कर दिए इन्होंने आते ही, जानबूझ करके हरियाणा के लोगों के साथ खिलवाड़ किया। 1 साल किसान सड़कों के ऊपर बैठे रहे, 3 काले कानून बनाए उनके अगेंस्ट। अब जब वो 3 काले कानून बनाए तो वो बेचारे क्या करते, उनकी जमीनें जा रही थी, वो सड़कों पे बैठ गए। 1 साल बाद मोदी जी ने आके माफी मांगकर किसान कानून वापस ले लिए। अब क्या करेंगे लोग, कहां जाएंगे, ये सवाल है ना। और यही विकसित यात्रा कौन सी है, अब बताएं ना। विकसित यात्रा में आप क्या बोलेंगे उनको, जिन लोगों को पीटा है उन लोगों से माफी यात्रा करेगी, माफी मांगेंगे उनसे, क्या करेंगे ये बताने का कष्ट करें। केवल जी, आप 2-3 बातें, क्योंकि मैं आपको रोकना नहीं चाहती थी। एक तो ये कि पर कैपिटा इनकम आप लोगों के समय में ज्यादा थी, अब नहीं है। दूसरा, मेडिकल कॉलेज नहीं खोले या शिक्षण संस्थान नहीं खोले, ये बातें आप बिना आंकड़ों के कह रहे थे। मैं बिल्कुल आंकड़ों के साथ कह रहा हूँ। कैसे बताइए? हम लोगों ने पंचकूला से शुरू होकर के और सिरसा तक चले जाइए, और सिरसा से शुरू होकर आप साउथ हरियाणा तक चले जाइए, सभी जगह पे शिक्षा संस्थान बनाए। इन्होंने कौन से बनाए, नाम लेके बताए ना। आपकी बात पूरी हो गई। चलिए, मैं चर्चा बिजली की बात कर लेता हूँ। चलो, मैं चर्चा को अभी आगे ले जाते हूँ। बिजली पर आ गए, 1400 मेगावाट बिजली, 1400 मेगावाट। आप पंजीता जी, आपकी सरकार के वक्त में सरकार आपके द्वार जिसका अब भी आप लोग बहुत तारीफ करते हैं, जिक्र करते हैं। वंदा पोपली जी मिसाल देते हुए कह रही कि सरकार आपके द्वार जैसा ही है। हम सरकार जनता के द्वार जा रही है, जनता के पास जा रही है, हम योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस दावे को? माफी मांगने जाएंगे ज्योति जी, अगर इसको सरकार आपके द्वार की परिभाषा भाजपा की नजर में है तो भाजपा को ही ऐसी सरकार आपके द्वार मुबारक हो। इसे सरकार आपके द्वार नहीं, सरकार करे खुद का प्रचार, इसे सरकार करे खुद का प्रचार कहा जाता है। और जो जो बातें वंदना जी ने कही बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें हैं, और जनता को कैसे ये हजम होगा कि लगभग 60 बसें, मतलब एक यात्रा में अगर सीएम खुद करते हैं, अगर आप एक यात्रा निकालते हैं वो भी इनकी 60 से ऊपर दिन चलेगी, ऐसी कम से कम 50, 55 या 60 बसें ये करना चाहते हैं, जिसमें इनके सारे ऑलमोस्ट सभी मंत्री, विधायकगण, एमपी और आप उनका स्टाफ, उनके कमांडो, सरकारी खर्चा कैसे नहीं है सरकारी खर्चा। और ये बोल रहे, इन्होंने जो बातें कही, योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए जनता का ही पैसा इस्तेमाल करेंगे, जो योजनाएं जनता तक नहीं पहुंची वो इसके लिए हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। मैं हैरानगी की बात मानता हूं कि टीवी चैनल पे बैठ के वंदना जी ने ये क्या क्या बातें कह दी। सरकार आपके द्वार वो होती है जो आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी जो सेक्रेटरिएट में है, या आप हल्के में या जिला में जहां पे भी आप जाएं, हल्का वाइज करना चाहे तो हल्का वाइज, जैसे हमारे समय में होता था सभी 90 हल्कों में, तो वहां पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बुलाई जाती है और वहां पे लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। पहले इंडिविजुअल भी सुनी जाती थी, लेकिन बाद में आपकी जो सरकारी काम से रिलेटेड है वो समस्याएं, और खुद उसमें मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला मौजूद रहते थे। इन्होंने तो सरकार आपके द्वार की परिभाषा ही बदल दी है, तो इनका खुद का प्रचार है। उसके बाद इन्होंने कहा कि रहने का लोगों का तरीका बदलेंगे। अरे, लोगों का रहने का तरीका तब बदलेगा मैडम जब उनके पास रोजगार होगा। आपके जैसे आपने किसान की आय दुगनी, आप लोगों का रहने का तरीका कैसे बदलोगे मुझे ये नहीं समझ में आया।
आपने जनता को तो कुछ दिया नहीं, आप गृहणियों से स्टार्ट कर लीजिए। वहां आपने गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, हर घर के अंदर तेल डलता है, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, किसान के लिए तो डीजल डला ही नहीं सकता, वो तो वैसे ही कर्जे के अंदर। आप 2022 में आय दुगनी कर रहे थे, आपने लागत चार गुना कर दी, हर वर्ग पे हर चीज पे जीएसटी लगा दिया। एक एग्जांपल देखिए कहता हूँ, 2014 में जो गाड़ी लगभग 27-28 लाख की होती थी, वो आज गाड़ी 55 लाख के आसपास की है। मतलब इतना विकास कर दिया, इतना टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। आप बताइए किस चीज के ऊपर आपने टैक्स कम किया है, कोई रहने की वस्तु, कोई सीमेंट पे, सरिए पे, आम जनता क्या यूज करती है, कंस्ट्रक्शन आपने वो महंगी कर दी, हर चीज के रेट महंगे आसमान छू रहे हैं, हर सरकारी फीस महंगी आपने करी है। आप कहते हैं कि हम तर्क तो देखिए ज्योति जी, ये कहते हैं कि हम सरकारी खर्चे से कहते और किसका पैसा यूज करेंगे, मतलब जनता का और पैसा। पहली कर्ज में डूबा हुआ हरियाणा, प्रत्येक व्यक्ति 1 लाख रुपए के कर्ज में पहले डूबा हुआ, और वो आपकी 50 के लगभग बसे रथ जो पूरे हरियाणा में 2 महीने में सरकारी खर्च के ऊपर, सरकारी तेल के ऊपर, सरकारी अमले जमले के साथ आप उनको योजनाएं बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब हैरान किया कि आपकी योजनाएं ये जो अखबारों में इश्तेहार देते हो या और टीवी में इश्तेहार देते हो या कोई भी सरकारी योजना है, अब उसका बखान करने के लिए और पैसा खर्चोगे, आप जनता पे और बोझ डालोगे। इनका सरकार आपके द्वार का पहले आप स्टडी कीजिए, उसका क्या मॉडल था, वो क्या सरकार आपके द्वारा असली में चीज क्या है, आप जनता तक ऐसे ये तरीका कनेक्ट करने का जनता के साथ, ये कोई तरीका नहीं है। जनता आज त्राहिमाम त्राहिमाम है, हर वर्ग दुखी है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे क्लर्क ले लीजिए आप, आंगनवाड़ी ले लीजिए आप, और पुलिस वालों का वेतन माइन इन्होंने पंजाब के बराबर नहीं किया, वो ले लीजिए आप। कौन सा वर्ग सुखी है आप बता दीजिए, कौन सा वर्ग आंदोलित नहीं है, एक वर्ग बताइए मेरे को। किसानों को तो पीट पीट के ना तो बुरा हाल कर दिया, जहां देते हैं वही लट बरसा देते हैं, किसी के सर फाड़ देते हैं, किसी के फ्रैक्चर कर देते हैं, सरपंचों को नहीं छोड़ा था इन्होंने, कैसे सरपंचों के हाथ पैर तोड़े अखबारों में आया। एक मिनट बात करते हैं, अब बात करते हैं, कम से कम आप और बात कर लीजिए, ये बात मत करिए, गोलियां नहीं चलाई कम से कम, गोलियां नहीं चलाई कम से कम, आपकी नहीं, आप जो मर्जी बात करिए, आरोप लगाइए, मैं जवाब दूंगी। कम से कम की बात तो कम से कम अपने अंतर्मन में झांक लीजिए, अपने अंतर्मन में आपका समय नहीं लूंगी, आप 2 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए, आप 2 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए, कम से कम अपनी गोलियां याद रखिएगा। जनता को बताएंगे आयुष्मान योजना के बारे में, आयुष्मान योजना में इतना बड़ा घोटाला है, लाखों लोगों को आपने उसके साथ जोड़ दिया, पता नहीं कितने लाख करोड़ का घोटाला। प्रधानमंत्री आवास योजना भी आपने कहा बकान करेंगे, उसमें घोटाला है नहीं, जरा सर्च कीजिए इंटरनेट के ऊपर। आपने निजी निवेश बता दीजिए 30% क्यों घटा, आप एक बात बताइए, आप पर कैपिटा की अभी बात हो रही थी यहाँ पर कैपिटा तो चलो आपने बता दिया, पर कैपिटा लोन कितना है हमारे ऊपर, पर कैपिटा 8.5% पर कैपिटा लोन 17.9%। आपने चिरायु कार्ड की बात करी, वो तो हमने अपने समय में शुरू कर दिया था इंडियन नेशनल लोकल में, कि मुफ्त इलाज मिलेगा बुजुर्गों को। आपने कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने क्लेम पेंडिंग है, कितने किसान धरने पर धरना लगा रहे हैं वो बता दीजिए आप बता दीजिए। तेलंगाना के अंदर, गुजरात के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर क्यों आपने ये स्कीम बंद करी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जिन बातों का जवाब दे रहे हैं मैंने तो जिक्र ही नहीं करा, आप घर से याद करके आते हैं क्या, घर से इतना बार के आते हैं क्या, आप घर से याद करके आते हैं पंजीता जी, और फिर मेरे नाम पर आप उसको छोड़ देते हैं, ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है, आप घर से याद करके आते हैं और मेरे पे छोड़ देते हैं। जिन बातों की आप बात कर रहे हैं मैंने तो उनका जिक्र ही नहीं करा, आप घर से याद करके आते हैं रजत पंजीता जी, आप याद करके आते हैं आप घर से, आप कह रहे हैं मैंने यहाँ पर फसल योजना की बात करी, मैंने तो बात ही नहीं करी थी अभी तक, लेकिन हैरानी इस बात की है कि आप अपने प्रश्नों पे जो आपको याद होते हैं घर से, आप कहीं से उसके आंकड़े ढूंढ डाल के झूठे सच्चे लेकर आते हैं और आप बोलना शुरू कर देते हैं, और आप यहाँ पे बार बार पीटने की बात करते हैं। तेजा गेड़ा का फोन याद नहीं आता आपको, जब पीटने की बात होती है तब आपको गोलियां याद नहीं आती, आप किस मुंह से किसान वंदना पर मेरे को लेकर झूठ बोल रहे हैं, क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा रजत पंजीता जी, क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा कि आप मेरे को लेकर झूठ बोल रहे हैं, मैंने जिन बातों का जिक्र किया ही नहीं आप मेरे नाम पर उसका लिफाफा फाड़ रहे हैं, अरे मैंने जिन बातों का जिक्र किया नहीं आप उन बातों को लेकर आप यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। वरना सुनिए अभी आपसे नहीं सुनिए, पंडिता जी आपने आपने भी आपका
पहला जवाब पूरा हो गया सर। और उसको यहाँ पर ओपी जी आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, बन्ना ओपी जी आप बीच में ना बोले। इस बात की आपत्ति है कि आप इनका हवाला क्यों दे रहे हैं उन बातों की जो उन्होंने नहीं कहा। मेरे नाम पर कैसे बोल रहे हैं पंडिता जी? इस बात से आपत्ति है कि आप इनका नाम लेकर वो बातें क्यों बोल रहे हैं जिन्होंने नहीं कही है डिबेट में? नहीं ज्योति जी कही है, क्यों नहीं कही? मैं तो साथ साथ आप कह रहे हैं अभी बन्ना जी ने ये जिक्र किया, मैंने तो कोई जिक्र ही नहीं करा। इन्होंने हर एक बात कैसे लिखते आ रहे हैं, रिवाइंड करके देख लीजिए, जनता देख रही है जनता। अच्छा यहाँ पे इतने सारे, यहाँ पर छह लोग बैठे हैं, आपको और मेरे को मिलाकर छह लोग बैठे हैं, किसी को भी नहीं सुनाई दिया, आपको सुनाई देगा? मैंने तो योजनाओं की बात ही नहीं करी, मैंने योजनाओं का नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी योजना का नाम ही नहीं लिया, लेकिन आप अपने आप से नाम ले रहे हैं। मतलब आप क्या बिल्कुल आगे ले जाते हुए आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ेंगे? याद करके पंडिता जी और वंदना पोपली जी आप भी रुके हैं, आप रुकी मैडम, अभी रुकी आप, तो ढंग से करो ना, आप रुकी अभी, आप कुछ भी बोलेंगे। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप सुनिए अभी। नरेश शर्मा जी देखिए, सरकार की मंशा तो जो पहली नजर में है, जो कहते हैं कि हम सरकारी योजनाएं, अगर किसी को फायदा नहीं मिला उस तक योजनाएं लेकर जाएंगे, योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, तो मंशा तो ठीक लगती है, लेकिन तमाम विपक्षी दल क्यों हमलावर की यात्रा को लेकर? एक चीज आपने बोली कि मंशा के ऊपर, कल माननीय खट्टर जी ने रैली की शुरुआत कहां से करी इनकी, जो भी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जो भी निकाल रहे हैं यात्रा, उसका मीनिंग क्या है? वो फरीदाबाद से करी, पिरथला के अंदर, वहां 60 दिन से किसान धरने पे बैठे हैं, जिसके लिए हाईवे से एक रास्ता मांग रहे हैं। उस रास्ते के लिए उन्होंने बोला, जी आप यहाँ पे आए हैं तो आप हमें लिखित में आश्वासन दे दीजिए, और ये लिखित में आश्वासन कहते हैं खट्टर साहब कि मैं लिखित में नहीं दे सकता, जो मैंने बोल दिया वो होगा, और जबकि पहले उन्होंने बोला था कि ये होगा। फिर जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं मैं उसका बताता हूँ, फरीदाबाद से लेकर गुड़गांव तक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कई हजार करोड़ का मेट्रो का प्रोजेक्ट था, आज तक उस पर एक ईंट नहीं लगा पाई है, और उसकी DPR हर साल में बदल देते हैं, आठ या नौ साल के अंदर ये DPR बदल चुके हैं, ठीक है। फिर माननीय खट्टर जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि फरीदाबाद से लेके आगे पलवल तक के लिए मेट्रो, उसके लिए आप बताइए क्या किया आपने? ये तो मैं बता रहा हूँ जहाँ से आपने शुरुआत करी, वहाँ के मेजर मुद्दे हैं ये बहुत बड़े, क्योंकि एक NCR के अंदर कनेक्टिविटी जो मेट्रो की थी उसके लिए आज तक आपने एक रुपये का फंड नहीं, और उसके लिए एक्सक्यूजेज आपके पास 9 साल के अंदर नहीं कर पाए, और अगले साल आपकी सरकार नहीं रहेगी, फिर आप उस मुद्दे को कैसे लेके आ पाएंगे, क्योंकि आपने अनाउंसमेंट किए थे। फिर आ जाइए आपके पास एक चीज की, 2,77,000 इन्होंने जो पेंशनधारी थे, जो बुजुर्ग पेंशन लेते थे, वो हटा दिए, और आज कल की आपने देखा कि माननीय खट्टर जी के सामने एक बुजुर्ग आके कहता है कि पेंशन के लिए, पहली बात पहले हटाने के बाद में, फिर आपके पास कहते हैं अभी वंदना जी कहते हैं डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने पहले हटा दिए और फिर उनको ऐड करने के लिए आपको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा। जो फर्जी थे पेंशन धारक, उनको फर्जी कैसे आपने डिफाइन किया? नहीं, आज मृत्यु हो चुकी उसका, थी उसका एक चीज, और अगर गलती से किसी का नाम कटा तो उसके लिए बकायदा इंतजाम किया गया था, नहीं, कि आप शिकायत पोर्टल पर दे सकते हैं, ठीक है। आपकी बातों पे आता हूँ कि फर्जी कैसे थे, मर चुके थे तो पहली बात तो आधार से आपका लिंक है, आजकल आधार कोई नया नहीं है, 9 साल हो गए, पहले से जो पेंशन ले रहे थे, पहले से पेंशन के लिए बता रहा हूँ ना मैं, 9 साल के अंदर, ये पिछले साल में आपने जो डिसकंटिन्यू किए हैं, तो पहले से पेंशन का मतलब यह है कि आपके पास रीवेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन, जब आप जाते हो पेंशनधारी को आपका फेस रिकॉग्निशन होता है, आप जाओगे आजकल ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी फेस रिकॉग्निशन से आपकी आईज रिफ्लेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे हम भी अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, तो वो आपके आपकी डिजिटलाइजेशन पे बात कर रहा हूँ, एक मिनट वंदना जी बीच में बोलिए, बीच में इंटरप्शन नहीं चाहता मैं आपकी बातों के ऊपर, एक मिनट सही बोलिए ना, नहीं आपको सही क्या, आपको पता ही नहीं है ना जिस चीज के लिए आपके लिए, फिर उसके बाद बात कर रहे हैं तो आप पहले सुन लीजिए उसके बाद आपकी, और आप जो अभी दिखा रहे थे न्यूज पेपर की कटिंग, मैं आपको दिखाता हूँ जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, आप देखिए ये बड़ा बड़ा आपके शिक्षा विभाग के ऊपर, जिसके अंदर कम से कम 550 स्कूलों के अंदर लेडीजों के लिए टॉयलेट नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स के लिए, आपके पास में जाते हैं कि ये अपना 8,500 क्लासरूम नहीं है शिक्षा के लिए, जिसके लिए बात करते हैं, और आपके पास 131 स्कूलों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, ये बकायदा हाईकोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे, हाईकोर्ट के लिए जो न्यूज के अंदर आया, और आपके जब कल आप कृषि मंत्री जी कहते थे कि जो किसान बैठे थे ना, एक मिनट इसके बाद आपका नंबर आएगा जब आप दिखा दीजिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके लिए, हाईकोर्ट का दिखा रहा हूँ ना, हाईकोर्ट ने बोला है, कहते हैं कि जो जो जिनके घर में नहीं चलती थी, एक मिनट, घर में नहीं चलती थी उन लोगों को लेके वो किसान बैठ गए वहां पे, जिनकी शादी नहीं हुई थी वो बैठ गए शादी के लिए, तो आप पेंशन दे रहे हो, या तो उनकी शादी करवा देते पहले, ये पेंशन देने की योजना भी आपने लागू करी तो उनको बैठाया क्यों, उनके पास रोजगार होता तो वो बैठते ही नहीं, किसान क्यों बैठते, किसानों के लिए अगर आपने कर्ज माफी किया होता तो वो भी ना बैठते,
लेकिन आपने हरियाणा को जलाने के लिए किसान को, मजदूर को, कोई वर्ग ऐसा छोड़ा जो आपने नहीं, सबके सबके साथ धोखा किया इन्होंने। और आपने देखा कि बीपीएल की संख्या आपको पता है 15 लाख से 20 लाख हो चुकी है, बीपीएल जो धारक है। आप कहते थे कि हमने गरीबी हटाई है, तो वो 15 लाख से 20 लाख कैसे हो गए? आप बीपीएल के अंदर दिखा रहे हैं, ये आपका डेटा कह रहा है, हमारा डेटा नहीं है, ये आपका लिखित में जो आप डेटा रिलीज कर रहे हैं। और फिर कहते हो कि आपने पेंशनधारी काटते भी हो, और फिर आपने बीपीएल के धारकों की जो आपने देखा कि उसके लिए एवरेज भी जो थी 15 से 20 हो गई, तो वो सब डेटा के अंदर आप खेल क्या रहे हैं, ये क्या है? एक्चुअल हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं आप, रोजगार बेरोजगारी में सबसे पहले नंबर वन हो गया, पॉल्यूशन में तो नंबर वन हो गया, अब हर चीज़ के अंदर नंबर वन और भी मुद्दों के अंदर हो रहा है। ये नहीं है कि रोजगार देने के लिए आप नंबर वन करो इसे कि सबसे पहले रोजगार, आपको इसी सरकार को हाई कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी, जिसके अंदर 75 साल का एक वो लेके आए थे कि 75% हम रिजर्वेशन देंगे, वो भी कहाँ गया? और जो 5000 की पेंशन इनकी सरकार के अंदर, आपने खामियां गिनवा दी हैं सारी सरकार की जो आपकी पार्टी को लगती हैं। नहीं, ये पार्टी को नहीं लगती, बेसिकली ये जनता के मुद्दे हैं, पार्टी के लिए स्पेसिफिकली नहीं, पार्टी के लिए तो बहुत सारी है, वो हम चुनाव के अंदर बोलेंगे, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो गिनवाए हैं मैंने आपको। अच्छा, चलिए आप इनको जनता के मुद्दे मान रहे हैं। पोपली जी कुछ कहना चाह रही हैं। पोपली जी देखिए, सभी पैनलिस्ट का ये कहना है कि आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं सरकारी पैसे से, सरकारी तंत्र से। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि अगर जनता की योजनाओं को लेकर जाना इनको प्रचार लगता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो जनता के बीच में तभी जाएंगे ना जब कुछ कर रखा होगा। इनकी तरह नहीं कि झूठ फैलाया और उसके बाद जनता के बीच में नहीं जा पाएंगे। और अभी यहाँ पर रजत पंजेटा जी बोल रहे थे कि हमारे टाइम में हल्का वाइज होता था, यहाँ पर भी हल्का वाइज ही तो जा रहे हैं भाई साहब। सभी मंत्री हैं, विधायक हैं, अपने अपने हल्के में जा रहे हैं। और आपको लगता है कि जो बसेस हैं वो अलग अलग टाइम में जाने की बजाय एक साथ जा रही है, तो उसमें उस एतराज का मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को उन जिन योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था, वो मिलना शुरू हो गया, किसी भी कारण से वो नहीं जुड़ पाए, तो उसमें आपको अगर कहीं पे खोट नजर आता है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। एक बड़ी बात जो थी, जो मैं कहना चाह रही थी, बीच में रह गई थी, किसी भी केंद्र के इनके विपक्षियों के नेता ने इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, पैसों को लेकर, फंड्स को लेकर। अब हरियाणा के लोग ज्यादा समझदार है तो मुझे समझ नहीं आता, ना कांग्रेस के किसी नेता ने, किसी का नाम बता दीजिए, किसी ने ऐसा कुछ कहा हो कि जनता के पैसों से, अरे सरकार का काम है ना, सरकार जनता का काम किया जाता है। बसों को लेकर भी सवाल पूछे गए, अधिकारियों की जो ड्यूटी लगा रहे हैं, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। उड़ा साहब, हरियाणा कांग्रेस ने तो कहा है नहीं, सरकार सरकारी तंत्र किस लिए है? सरकार जनता के लिए तो है, और किसके लिए है? योजनाएं तो लेकर जा रहे हैं उनके पास। अब आप कहो उसके लिए भाजपा के लोग क्यों जाएं या उसमें नहीं जुड़े, तो हम तो कोरोना के सामने समय भी हमने बड़ी सेवा करी थी कि हमें मालूम है कि जनता की सेवा करने की जरूरत है। और ऐसा कोई भी अगर ऐसा लगता है कि जहाँ पर जरूरत है, तो हर एक पार्टी का जो व्यक्ति वहां पर जुड़ा हुआ मिलता है, आप भी जुड़िए, आपको किसने मना किया है? लेकिन ये प्रचार ना होकर ये लोगों के पास वो काम जो हमने करे हैं। और दूसरी बात, अभी यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि किसान धरने पर बैठे थे, मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए कि जो किसान धरने पर बैठे हैं पंजाब के अंदर गन्ने के रेट को लेकर उसका जवाब दे दे। और आप कह रहे हैं कि मेट्रो के लिए कोई पैसा लौट नहीं हुआ, भाई साहब बजट में 3600 करोड़ रुपए, केंद्रीय बजट में 3600 करोड़ रुपए रैपिड रेल के लिए दिए गए हैं। सुनो, और आप यहाँ पर कह रहे हैं जी रैपिड रेल की तो बात ही नहीं की किसी ने, आपने आपसे गुड़गांव के लिए जीएसटी के अंदर बैठे हैं, पूरे भारत के लिए रेल लिमिट आपके 9 साल के लिए, आपको अगर काम किया, आपको अगर थोड़ा बहुत पढ़ना आता हो तो आप देख लीजिए, और फर्जी पेंशनों को काटने का काम किया है, लेकिन गलती से अगर किसी कट गई है, फरीदाबाद से लेके यात्रा चल रही है कि अगर कोई वंचित रह गया है तो उसको देने का काम है। आप चैनल के अंदर वहाँ पर बैठे हैं, आपकी आवाज हो सकता है ज्यादा क्लियर आए, लेकिन आप बीच में ना रुके। दूसरी बात, सुन लीजिए, मेट्रो बताइए कहाँ पे है, 3600 करोड़ रुपए अलॉट हुए, पहले मेट्रो बताइए कहाँ पे है, 3600 करोड़ रैपिड रेल के लिए, 3600 करोड़ मेट्रो रेल के लिए, अरे मेट्रो बन तो रही है, उसमें टाइम तो लगेगा, फरीदाबाद से टाइम तो लगेगा, 9 साल के अंदर टाइम तो लगेगा, 3600 करोड़ अलॉट हुए हैं, 3600 करोड़ केंद्र के बजट में, अंदर दिल्ली के अंदर मेट्रो का जाल बिछ गया था आपके पास, 3600 करोड़ पाई है। नहीं, चलिए दिल्ली में तो शीश महल क्या बना है, हमारे को मालूम है दिल्ली में जो बना है शीश महल बना है या केजरीवाल जी की खासी ढीक हुई है,
दो ही काम तो हुए हैं, या शीश महल बना है, यमुना साफ हो गई क्या? उसका जवाब दे दीजिए, इस बार का पानी आ गया, आपके पास जवाब नहीं है। अब मैं यहाँ जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी बात का जवाब देना चाहूंगी, इनकी बात का ज्यादा जवाब दे दो। वे खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि देखो अब भाजपा वाले हमारी बात का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट है, तो आपको मैं इम्पोर्टेंस वो नहीं दूंगी, मैं सभी की बातों का जवाब एक एक करके दूंगी। अब जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो कहते हैं कि कोई भी काम नहीं हुआ। आप हुड्डा जी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, हुड्डा जी के कुछ नहीं हुआ, और उदयवान जी से पूछ लीजिए कुछ नहीं हुआ, आगे जवाब नहीं आता और कुछ बोलना नहीं आता। ये भी यही कह रहे हैं, हमने अपने टाइम में क्या किया जो बिजली के प्लांट लगाए। अरे बिजली क्या हर एक गांव में जाती थी, 24 घंटे जाती थी, वो काम हमने किया है। 24 घंटे बिजली सबके घर भेजने का काम किया, वो दो चार आप काम गिनाने की कोशिश करते हैं। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे थे, 7 थे सिर्फ, हमने उसको 15 कर दिया है। ये नंबर आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल आप अभी पाइपलाइन में हैं। ठीक है, मैं अभी चर्चा को उसका नंबर मैं जा दूंगी, वो चर्चा में जोड़ूंगी, आप सभी सुन रहे हैं। नरेश जी आप अपने समय में बोलिएगा, नरेश शर्मा जी अपने समय में बोलिएगा। बार बार कहते हैं वन्ना पोपली जी, मैं जादू जी को चर्चा में जोड़ती हूँ, अभी आप सुने पीटा करते थे। ठीक है, आपने लगभग सभी बातों पर ठीक है आपने जवाब दिया है। पंडिता जी का एक सवाल रह गया कि अगर किसी की कोई ग्रीवेंस है क्या मौके पर निपटारा उसका होगा, निवारण किया जाएगा, मैं अगली बार आपसे पूछूंगी। राजेंद्र जादून जी, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, इसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल होने से, अधिकारियों की ड्यूटी लगने से या फिर बसें चलाए जाने से क्या परेशानी होनी चाहिए विपक्ष को? ये पूछती है सरकार, ये बीजेपी पूछती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी प्रचार हो रहा है सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। तो देखिए ऐसा है कि कोई भी सरकार अपनी योजनाएं लेकर आती है, अपने कार्यक्रम लेकर आती है, तो सरकार के जरिए प्रचार होता है उसका, तो सरकार को ही करना है, सरकारी तंत्र ही उसमें उपयोग करेगा जिस तरह से। लेकिन हाँ ये है कि जिस तरह का आयोजन ये हो रहा है तो ये लगता है कि ये अर्ध सरकारी है, कुछ उसमें राजनीतिक भावनाओं का समावेश भी है, राजनीतिक उद्देश्य का समावेश भी है और कुछ सरकारी भी है। जैसे कि इन्होंने ये फैसला किया है कि सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे, साथ साथ में जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए किसी कारणवश वो नहीं ले पाए तो उनको जोड़ने का काम भी किया जाएगा। उसमें एक दूसरा पहलू ये भी दिखाई देता है, मुझे लगता है कि जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है उस पर सरकार का भरोसा नहीं, इसलिए वो हायर ब्यूरोक्रेसी को इस रथ यात्राओं में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद भी नाम दे दिया है उसमें हायर ब्यूरोक्रेसी को निचले स्तर पर ले जा रहे हैं। तो ये ठीक है कि ये भी एक तर्क है कि जिला स्तर पर भी ये काम हो सकता था, ईसी के लेवल पर भी योजनाएं बना के और उनकी योजनाओं का सर्वा प्रचार करके और कैंप लगा के, जगह जगह कैंप लगा के भी काम हो सकता था। सरकार के ऊपर, सरकार के पास पूरा लोअर ब्यूरोक्रेसी तंत्र भी है, सारा सिस्टम है, इसके बावजूद अगर वो यात्राएं निकाल रहे हैं और हायर ब्यूरोक्रेसी को उसमें जोड़ के ये सब किया जा रहा है तो इससे लगता है कि लोअर ब्यूरोक्रेसी पर सरकार को भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि लोग जो है लोअर ब्यूरोक्रेसी के कारण और या उसकी लापरवाही के कारण सभी लोग जो है योजनाओं का, जो योजनाएं उन्होंने शुरू की है उनका लाभ नहीं ले पाए हैं। नहीं तो सरकार ने वैसे तो लोगों के बीच में जाने के कई कार्यक्रम चलाए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी खुद भी जनसंवाद के कार्यक्रम चला रहे थे, लोगों की सीधी सुनवाई कर रहे थे, जन समस्याएं सुन रहे थे, उनके समाधान का भी उन्होंने एक व्यवस्था कर दी थी कि जो जन संवाद में जो समस्याएं आ रही हैं उनका समय रहते निपटारा और उनका समाधान किया जाए, उसका भी सिस्टम बना दिया था उन्होंने। और उससे पहले वो एक रायगिरी का कार्यक्रम भी होता था, अभी ये जो यात्रा निकल रही है इसमें पहले दिन खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, कलाकारों का सम्मान किया गया, महिलाओं का सम्मान हुआ है, ये हुआ है, ये सम्मान के कार्यक्रम तो राहगिरी में भी हो सकते थे, उन समस्याओं को भी सुनवाई भी की जा सकती थी जिसमें मुख्यमंत्री जी भी जाते थे राहगिरी कार्यक्रम में। तो ये इस तरह का ये कार्यक्रम पूरी तरह से अनुपयोगी तो नहीं है, लेकिन ये अर्धशास्त्रीय हो गया, इसमें राजनीतिक भावना भी है और कुछ ये भी है कि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक मिले और जो लोग योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं उनको जोड़ा जा सके। तो मुझे लगता है कि ये एक मल्टीपर्पज कार्यक्रम होकर रह गया है, बाकी तो सरकार जो है, जो सरकार अपनी योजनाएं और कार्यक्रम लेके आती है तो उसका प्रचार तो सरकार अपने सरकार के संसाधनों से ही होता है, वो तो करना ही है ताकि आम जन तक पहुंचना जरूरी होता है। जी केवल ढिंगरा जी, कांग्रेस पार्टी में कोई बौखलाहट या डर तो नहीं यात्रा को लेकर? ज्योति जी, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है,
ये जो अभी जो जुदान साहब ने भी जो बात कही जदौन साहब ने, उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ियों के लिए महिलाओं का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। 9 साल में आपने कहीं देखा खिलाड़ियों का सम्मान होते हुए? मुझे तो ये दिख रहा था कि जंतर मंतर पे बैठी हुई पिटाई हो रही थी उनकी, खिलाड़ियों की, और सम्मान को महिलाओं का कौन सा हो रहा था वो भी आपको दिख गया। एक संदीप सिंह है मंत्री जी, उन्होंने बड़ा सम्मान किया हमारी महिला कोच का, और FIR दर्ज हुई हुई है, वो कह रहे हैं हम इनको मंत्री जी को तो नहीं हटाएंगे, कितना बड़ा महिलाओं का सम्मान है। ये महिलाओं का सम्मान तो यही बीजेपी सरकार ही जानती है जो कर रही है, और यही जाके अब जब ये यात्रा निकालेंगे तो ये सम्मान वहां पे बताएंगे। मुझे ये बताएं, शिक्षा में अच्छा काम किया है तो 4800 स्कूल मर्ज क्यों किए, 400-500 स्कूल बंद क्यों किए? अगर बहुत अच्छा काम किया तो वहां शौचालयों की व्यवस्था क्यों नहीं है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गर्ल के लिए क्यों नहीं है व्यवस्था शौचालयों की, लड़कों के लिए क्यों नहीं है? स्कूल की दीवारें क्यों टूटी पड़ी हैं, उनकी छतें क्यों हिली पड़ी हैं? अगर इन्होंने इतना ही काम किया, बिजली व्यवस्था इन्होंने इतनी अच्छी करी तो प्लांट बता दीजिए कौन सा लगाया। हमारे टाइम पे 1400 मेगावाट बिजली बनती थी, हम 10,000 मेगावाट तक के प्लांट लगा के गए थे, इन्होंने कौन सा लगाया बता ही दे। यही बता दे कम से कम कि सुरक्षा में NCRB की रिपोर्ट में क्राइम कितना बढ़ गया, वो क्यों बढ़ा, ये बता दे कम से कम। अगर ये बता दें कि जो अपने आप को कई चीजें कहते हैं, हम स्वालंबन भी करेंगे, हम स्वाभिमान भी जाएंगे, हम सुरक्षा की बात भी करेंगे, हम सेवा की बात भी करेंगे, अरे वो किस किस की सेवा कर रहे हो? वो तो सेवा कर रहे हो उनकी कुटाई करके, उनके ऊपर लाठियां भांज के, उनकी पिटाई करके, उसका जवाब तो देते नहीं, उसका जवाब दीजिए ना। ये माफी यात्रा होगी, कौन सी यात्रा होगी? अगर आपने माफी यात्रा करनी है तो बताइए ना कि हम माफी यात्रा शुरू कर रहे हैं, और लोगों से माफी मांगेंगे कि हमने जो 9 साल में कृत्य किए थे उसकी माफी मांगने जा रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, ये उनको घुमाएंगे लोगों को, और ये दिखाएंगे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। जो लोग जिनकी कुटाई नहीं हुई है, जिनकी पिटाई नहीं हुई है, जो वंचित रह गए या जो बीच में छूट गए कुछ लोग, उन लोगों को भरमाने की कोशिश करेंगे। ये तो ये करने जा रहे हैं, इनको करनी चाहिए माफी यात्रा, उसका नाम भी माफी यात्रा होना चाहिए, क्योंकि ये जवाब नहीं देंगे, इनसे जवाब लेना चाहिए कि ये माफी यात्रा है या नहीं है। चलिए नेलो के पास चले, उससे पहले एक टिप्पणी आपकी, माफी यात्रा नया नाम आपकी यात्रा को कांग्रेस की ओर से। देखिए माफी तो रोहतक जलाने के बाद हुडा जी गए थे, जब उनके मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। क्या हरियाणा के किसानों से माफी मांगेंगे कि जीजा जी को इन्होंने अपनी जमीन बेची थी? क्या युवाओं से माफी मांगेंगे कि उनकी जो नौकरियां किस प्रकार से पैसे पे बेची थी? और आपको पिटाई शब्द बड़ा पसंद है केवल हुडा जी, पिटाई शब्द बड़ा पसंद है, पिटाई बार बार बोलते हो। पहले जनता मार दी, फिर कार्यकर्ता मार दिए, और तो नेता भी मार दिए, नेता भी नहीं छोड़े। कभी तो शैलजा जी को धक्का मारते हो, कभी शैलजा जी को धक्का मारते हो, कभी आप अपने पूर्व अध्यक्ष को लाठियों से पिटवाते हो। तो ये पिटाई शब्द आपको बड़ा पसंद है, ये पिटाई शब्द क्यों पसंद है? कम से कम 25 बार पिटाई शब्द का इस्तेमाल करा, मुझे इतना बता दीजिए। सरकारी जवाब नहीं हुई है मेरी बात का जवाब दो ना, क्यों आप क्या हो क्यों अपने अध्यक्ष को मारा बताइए, ये बता दो क्यों अपने कार्यकर्ताओं को मारते हो, क्यों अपने नेताओं को मारते हो? जनता तो पहले ही मार दी थी, वो तो हम आ गए, नहीं तो आपने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आपने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और गेस्ट टीचर आपने बेचारी कितनी दुखद मृत्यु हुई उसके, गोलियां चलाने वाले, लाठियां चलाने वाले आज पिटाई की बात करते हैं। अरे जीजा जी को सारी जमीन दे दी आपने, युवाओं की नौकरी छीन ली, किसानों की जमीन छीन ली, आप ये बताइए करा क्या हरियाणा के लिए? ये प्रॉपर्टी डीलिंग के अलावा कुछ करा भी था? ये बता दीजिए, प्रॉपर्टी डीलिंग के अलावा कुछ करा भी था? जमीन की क्षेत्र की पार्टी बनकर रहेगी, क्षेत्र की सरकार बनकर रहेगी, परिवारवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार के अलावा ये मत सोचिएगा हरियाणा की जनता भूल गई, इनको सब याद है आपने क्या किया था। क्षेत्रवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार कुछ भूले नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा
आपको भी समझ में आ गया कि कौन सी गलतफहमी में मत रहिएगा। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, उनको पता है। आज अगर कोई काम कर रहा है तो मनोहर लाल कर रहा है, और अगर किसी को पूरे हरियाणा को जोड़ने का काम कर रहा है तो वो मनोहर लाल कर रहा है। ये भाजपा सरकार ने जो करके दिखा दिया वो पहले वाली सरकारों के तो बस के नहीं थी, जो विकास के काम हमने कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक तारीफ करते हैं कि पराली मैनेजमेंट में हमने कितना बढ़िया कर दिया, हर घर जल से नल पहुंचा दिया, आवास योजना हमने कर दिया बिना खर्ची। सुन तो लो, गिना तो रही हूँ, आवास योजना हमने दे दी बिना पर्ची खर्ची के, हमने नौकरियां दे दी, कौशल में हमने काम कर दिया। ये बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा जहाँ पे हमने काम नहीं करा था। 33% रिजर्वेशन दे दिया वुमेन को, 370 हमने हटा दी, राम मंदिर बनने जा रहा है, शौचालय बनवा दिए। सुन लो, आप काम की तो लंबी लिस्ट है, पूरी डिबेट इसी में बीत जाएगी। आप चलिए, केवल जी आप लगातार बोल रहे हैं, अपने टाइम में बोल रहे टाइम में भी आप बोल रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा ना सर। नहीं, गलत तरीका है आपका, सवाल आपको पूछना था अपने टाइम में, बीजेपी के टाइम में नहीं पूछेंगे। जनता भी कह रही है ये पहले से फेल है। पंजेटा जी देखिए, जनता के लिए योजनाएं तैयार की गई थी, अगर कोई पात्र व्यक्ति है वो योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाया तो उनको घर जाकर मौका दिया जा रहा है। दावा तो ये बीजेपी किसके घर जाके मौका दिया जा रहा है, ये योजना बता दे कौन सी है। किसी के घर जाके मौका नहीं दिया जा रहा, और योजनाओं के लिए जिसको जो पात्र व्यक्ति आएंगे उनको, पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से वंचित करने के लिए सरकार अपनी मन मर्जी से, क्योंकि सब इनके हाथ में, ये पोर्टल, ये सर्वर। आपने कभी ज्योति जी ये सुना कि एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से आपकी जो डिटेल्स हैं वो अपने आप कट गई, या डिटेल, या फादर नेम काट दिया, मदर नेम काट दिया, या अपने आप कट गया, या इसमें अपने आप त्रुटियां आ गई। ये प्राइवेट लोगों को सब दिया जा चुका है, जो ब्लैक लिस्टेड है ऑलरेडी। वहां पे भी जनता का बहुत पैसा खराब किया, किसने मांगा, पूरे देश में कहीं नहीं है ये पीपीपी फैमिली आईडी। एक हरियाणा में शुरू हो गया, अब कहते हैं नहीं, भाजपा के जो हमारे और वो है जस्टिफाई करने के लिए, हरियाणा की जनता को तो परेशान कर ही रखा है, औरों को भी करेंगे। हरेक का अलग पैन कार्ड है, हरेक का अलग इनकम टैक्स फाइल होता है। नहीं, हम तो एक प्रॉपर्टी आईडी बनाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर उसके अंदर जनता से धक्के खिलवाएंगे, ये कट गया, वो कट गया। कैसे कट गया भाई, आज तक किसी का पासपोर्ट से तो कोई ऐसा कोई डिटेल कटी नहीं, किसी की लाइसेंस से कटी हो तो बताओ। अरे इन्हीं की सब चीजों में इतने फॉल्ट है तो किसने मांगा, आपने मांगा, हमने मांगा, जनता ने तो नहीं मांगा, क्यों थोप रहे हो जनता के ऊपर। अरे पोर्टल ही नहीं चलते, जरूरी काम होगा सरकारी दफ्तरों का, बात मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं तहसीलदार का पोर्टल नहीं चल रहा, कहीं पटवारी का पोर्टल नहीं चल रहा, कभी कभी वीडियो का पोर्टल नहीं चल रहा, कभी उसका पोर्टल नहीं चल रहा, कभी इसका नहीं चल रहा, सर्वर डाउन है जी, पीछे से डाउन हो गया जी। अरे ज्योति जी, अभी ऐसा मुझे तो लग रहा है हर दफ्तर में जब जाएंगे तो ये सब ये कहते हैं ना आप पोर्टल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां बोला जाएगा हम फला मंत्री का एआई असिस्टेंट बोल रहे हैं, हम फला अफसर के एआई असिस्टेंट बोल रहे हैं, कृपया एक ज्यादा परेशानी के लिए दो दबाए, कम परेशानी के लिए एक दबाए। अभी 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 हम हिंदी का मतलब आपने सपने लेने शुरू करे हैं वो सपने कहीं पे टिकते नहीं है, कुछ भी आप सपने ले रहे हो। पॉपुलरी जी, पॉपुलरी जी, संभावनाएं किसी तरह एनएलडी आ जाए, कितनी प्रभु नहीं आएगी। मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बीच में ना बोलिए। देखिए सुनिए, पोर्टल खेल के इन्होंने जनता की, हरियाणा की जनता को नहीं, किसानों को भी परेशान कर रखा है। कभी कहते हैं इतने क्विंटल ले आओ, टोकन इतने का कटेगा, आपसे तो कैप लगा के 20 क्विंटल ये फसल खरीदी जाएगी, केवल आपकी 3 ट्रालियां 4 ट्रालियां, हमें नहीं पता कितने क्विंटल हुई है। सरकार तो अगर इसमें ब्यौरा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर्ड है तो होगा, उसके बाद बात कर लीजिए। अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात करी, कोई जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हर बस के पीछे सरकार, हर हरियाणा रोडवेज की बस के पीछे सरकारी योजनाओं का जो सारा का सारा है, हर जगह एडवर्टाइजमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कहीं सरकारी योजनाओं के लिए, इनको 50-60 बसों की जरूरत है। बसों से याद आया, हरियाणा सरकार का इतना हाल हो चुका है कि अब कह रहे थे बारात के लिए भी आपको पर किलोमीटर दीजिए, हरियाणा रोडवेज की बसें आप बारात में भी ले जा सकते हो। आप ये बात बताओ, ये जो 60 बसें हैं ये आएंगी कहां से, किसका पैसा है, कौन सी बसें हैं, अरे किन में तेल कहां से डलेगा,
आप जनता का तेल निकाल के अपनी दो महीने की यात्रा चलाओगे और कौन सी ऐसी योजना है जो जनता को नहीं पता? सारा दिन टीवी चैनलों के ऊपर आपके इश्तेहार चलते हैं, अखबारों में आती हैं, आपको और कहाँ खर्चा करना है जनता के पैसों का? आपने कहा बिजली पहुंचा दी, अरे बिजली पहुंची या नहीं पहुंची ये नहीं पता, बिजली के बिल जरूर 10-10 गुना पहुंचा दिए लोगों के घर में, वहां जरूर परेशान कर दिया आपने। उसके बाद अगर सच्ची आपने योजनाएं पहुंचानी है तो आप बताइए प्रदेश की जनता को कि एफसीआई का बजट था हमारे पास 463,000 करोड़, हमने आज उसको घटा के 141 कर दिया। आप योजना बताइए, पीएम आशा योजना जो आपने बंद कर दी, किसानों की योजना थी बिल्कुल ही उसका बजट जीरो कर दिया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता था पता नहीं कितने लाख करोड़ का, वो गायब कर दिया। उसके बाद बताइए मनरेगा का बजट हमने क्यों 33 लगभग 32.9% घटा दिया। किसान की आय कभी कुछ चले आज आपकी केवल 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय है, सुनिए आप आगे। उसके बाद आपने 5100 पेंशन योगी और 3000 आपने पेंशन की बात सारी प्रश्न उठाएंगे फिर मुझे समय नहीं मिलेगा वक्त पे जवाब के लिए समय नहीं मिलेगा आपको समय मिलेगा 11-15 मिनट पढ़े सुनिए आप मेरी बात। उसके बाद पेंशन से आए आप उसके बाद नहीं देंगे, कृपया आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए। उसके बाद भर्तियां रद्द, आप कह रहे थे बिना पत्नी छोड़े नहीं है ना, कितनी भर्तियां रद्द हो चुकी है पता है आपको? चलिए फिर आप भी आरोप लगा रहे थे ढिंगा साहब, पंडिता जी भी बहुत सारी खामियां निकाल चुके हैं, अब वक्त देना तो बनता है। नरेश शर्मा के पास आए सवाल के साथ, उससे पहले बन्ना पोपली जी देखिए ये पंडिता जी ने पिछली बार भी कहा कि अगर जनता के बीच जाकर शिकायतों का निवारण होता है तो फायदा के इस तरह की यात्रा का, अन्यथा जनता को जानकारी तो है ही पहले से नहीं, बिल्कुल जानकारी है और सबके मोबाइल में पोर्टल्स भी हैं। सरकार जो सरकार है वो आज व्यक्ति की जेब में है, लेकिन कई बार क्या होता है व्यक्ति जो है सुबह से लेकर शाम तक जॉब पर भी रहता है या उसको कई बार नॉलेज नहीं होती, पता नहीं चलता, उसलिए उनके पास जाना जरूरी है। एक बार इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो उनको समझ आ जाएगी किस प्रकार से करना है। एक सेकंड रजत पंजेटा जी, आप यहाँ पर पोर्टल की बात करें कि पोर्टल में मुश्किलें आ रही हैं। देखिए हमने जब कंप्यूटराइजेशन शुरू किया था तब भी मुश्किलें आई थी, बैंक जो है वो कंप्यूटराइज्ड हुए थे तब भी हमारे को शुरुआत में प्रॉब्लम आई थी। हम जब भी नई चीजें करते हैं शुरुआत में प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, लेकिन उसके पीछे नियत क्या है वो देखना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि एक पारदर्शी प्रशासन हो, अगर 1 रुपया चल रहा है तो 1 रुपया ही पहुंचे, डायरेक्ट जो बेनिफिट है लोगों के पास पहुंचे, बीच में कोई रुकावट नहीं हो, किसी ऐसा नहीं हो कि लोगों के चक्कर खाने पड़े, चक्कर लगाने पड़े कि कोई भी अगर काम करवाना है तो वो उसके पीछे नियत ये है। और उसके बावजूद भी अगर किसी को कुछ समझाना है बताना है तो उसके लिए ये यात्रा चली हुई है, लोगों के पास पहुंची और हमारे पास एग्जाम्पल्स भी आ रहे हैं, पहले दिन ही एग्जाम्पल्स आ गए थे कि किस प्रकार से लोगों को फायदा उठ रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातें करी, इन्होंने कहा कि भर्तियां रद्द हो गई। मैं पंजेटा जी आपको बताना चाहूंगी कि भर्तियां रद्द कांग्रेस की हुई थी, जिस प्रकार से लोगों ने इतने साल नौकरी करने के बाद उनकी भर्तियां रद्द हुई थी, भर्तियां हमारे समय में कोई भी रद्द नहीं हुई है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अभी आपने एफसीआई का बात की कि एक से एफसीआई की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आपने बोला बजट कम हुआ, जो बजट कम नहीं हुआ बजट बड़ा है। हरियाणा पीटीआई वाली रद्द हुई है, पीटीआई वाली रद्द हुई है, पूरी लिस्ट है एफसीआई का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हमने उसका बजट बढ़ाया है। आप लोगों की सरकार भर्तियां रद्द हुई है ऐसा नहीं, आपको भी जानकारी है, लेकिन सरकार वर्तमान सरकार हमारी भर्ती अदालत हमने भर्तियां भले ही दोबारा करवा ली हो, परीक्षाएं दोबारा करवा ली हो या हमने खुद ही रद्द कर दी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट ने रद्द की। रद्द हुई है, हाँ सरकार ने करी है, सरकार ने करी है, मतलब लड़के के नाम पर लड़की को आपने लगा दिया, ज्वाइनिंग के बाद वो अप्लाई कर रहा है और सरकार ने उसमें कर दिया, मतलब आप कोर्ट में भी कुछ नहीं लगाएंगे। एक महिला के नाम पर पुरुष को एंट्री कराते हैं, उसके बाद आप एक व्यक्ति जो है ज्वाइन कर चुका है उसके बाद वो अप्लाई करता है और इन सब चीजों के बेसिस पर भर्ती रद्द होती है और ये कहते हैं कि सरकार ने किया है। झूठ क्या, निकालिए मोबाइल देख लीजिए, लेकिन निकालिए मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल निकाल लीजिए। मैं भी नरेश शर्मा जी बंदा पोपली जी आप सारे मीडिया के टाइम में अपने टाइम की बर्बादी करते हैं, साथ साथ बोलते हैं केवल ढिंगा जी भर्तियां कितनी रद्द हुई अच्छी बाजार में, इसको लेकर हम बहुत बार डिबेट कर चुके हैं, हम अदालत ने किन किन भर्तियों को रद्द किया, बहुत बार में डिबेट कर चुकी हूँ भर्तियों को लेकर। नरेश शर्मा जी
चुनाव का चूंकि समय समय ठीक है कुछ भी हो, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे ना कि रद्द नहीं हुई जानबूझ के उसका प्रेजेंट ठीक। नरेश शर्मा जी, चूंकि चुनाव, अरे केवल जी रुकिए, अभी चुनाव चूंकि करीब है तो 2014 नरेश शर्मा जी चूंकि चुनाव करीब है आपने करी तो बीजेपी के अलावा तमाम दलों में इस बात की आशंका तो होगी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनावी फायदा तो हो सकता है इस यात्रा से। अब ज्योति जी एक चीज अभी ना पहले बात हो रही थी कि कितना पैसा, कहते हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर आजकल सबके लिए पेड़ है, उसके लिए मैं दिखाता हूँ। चार साल के अंदर मनोहर सरकार ने 2021 तक 400 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और 105 करोड़ का मनोहर जी हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। जो अभी बात कर रहे थे ना, तो वो मनोहर का हेलीकॉप्टर जो है पता नहीं क्यों लेना पड़ा, क्या जरूरत पड़ गई। आप जो दिल्ली वाले अभी कह रहे थे शीश महल, कौन सा वो हेलीकॉप्टर के लिए जरूरत पड़ी आपको हरियाणा के अंदर, क्यों लेना पड़ा आप ये बताइए। वो जनता का पैसा नहीं था 400 करोड़ रुपए। एक मिनट सुन लीजिए वंदना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मेरी आदत नहीं, आपकी तरह खराब आदत हो चुकी है आपकी बिल्कुल भी बीच में बोलने के लिए। आप सुन लीजिए पहले, सुनने की आदत डालिए, नहीं तो कान में म्यूट कर लीजिए, आपके पास सुनने की आदत नहीं है तो ये मत सोचिए कि हर प्रवक्ता के लिए मतलब इतना मैं कीजिए। आपके पास अगर आपके पास आंकड़े हैं तो बोलिए, बीच में नहीं तो मैं हाँ, आपके बीच में किसी के बीच में नहीं बोला। बोलिए आप डिसेंट बोलिए, ऐसे नहीं होता कभी भी, आंकड़े ही बता रही हूँ। आंकड़े ये नहीं होता कि आप बीच में किसी के लिए बोल रहे हो, आपके जब टॉपिक था बीच में नहीं बोला, आपके आपको बीच में बोलने की जरूरत है तो फिर बोलिए। आप बात पर आइए अभी नरेश जी, उसके बाद 105 करोड़ रुपए। अब आपके डिजिटलाइजेशन क्या होता है उसका पता है आपको। आज ये सरकार अभी 3 महीने से मीटर चेंज कर दिया पूरे हरियाणा के अंदर। आपके पास एक मूवी देखी थी बीच में आई थी कि एक छोटी सी लाइट भी उसके लिए एक पैसा पैसा कैलकुलेशन करके वो करोड़ों रुपए का कैलकुलेशन होता था। आज उस मीटर के अंदर 4 बल्ब लगा दिए गए हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो वो मूवी इनको देखनी पड़ेगी, माननीय खट्टर साहब को एक बार मूवी दिखा दीजिए, वो समझ में आ जाएगा कि वो बिजली कंजप्शन आपके पास। या तो ये बताइए कि पहली बात तो वो मीटर बदलने की जरूरत क्या पड़ रही है आपको कि आपको हर 5 साल के अंदर, पिछली बार मीटर घरों से बाहर लगा रहे ना, घरों के बाहर पहले नहीं लगे हुए, आप बताइए। मैं आपको अगर आप एक भी मीटर घर के अंदर दिखा दो, कांग्रेस पहले ऑलरेडी लगा चुके हैं, ये कह रहे हो कि घर के अंदर ये नहीं नहीं ठीक है चलो घर के अंदर लगे हुए हैं तो बाहर क्या उन्हीं मीटरों को बाहर नहीं लगाया जा सकता, नया मीटर क्यों लेने की जरूरत पड़ गई। अच्छा अभी बाहर लग चुके हैं, ये घोटाला जो है ना नए मीटर का घोटाला, जब आपको पता चलेगा ये सरकार अगले साल जब ये चली जाएगी, जब उसका घोटाला खुलेगा ये नए मीटर का, जो बिजली मंत्री भी जिसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तब पता चलेगा कि आपके अंदर ये घोटाला कितना बड़ा है। ये बिजली के लगाने के लिए, जो बिजली कहते थे 24 घंटे बिजली, हमने बिजली आंदोलन के अंदर ये देखा कि ये इंडस्ट्री को बिजली नहीं दे पा रहे, पंजेटा जी इंडस्ट्री को बिजली नहीं दे पा रहे हैं, दो बार मीटर चेंज कर चुके हैं, बिजली खरीद भी घोटाला है। तो उसके अंदर सबसे बड़ा यही तो पता चलता है कि केवल भाई कि इनको ये नहीं पता कि मीटर के अंदर या तो वो मीटर खराब है या ये मीटर खराब है। तो इनको ये पहले समझ में आनी चाहिए कि ये बीजेपी का मीटर है। आपको पता है कि जो बिल पहले 1000 रुपए आता था वो 5000 ये कर देंगे, आपको सब्सिडी के नाम पे जो देते थे वो सब्सिडी भी अभी पिछले साल स्टार्ट करी थी, वो सब्सिडी भी खत्म कर चुके हैं। आप देखिए जो पहले दे रहे थे ना कि जो आपने 20-25% की सब्सिडी, वो भी खत्म कर चुके हैं आपके पास में। तो ये सब बिजली का भी जो कहते थे ना, हमें आंदोलन से पता चला कि इनके पास में बिजली के अंदर जो इतना पैसा, और ये अब जो है कलेक्शन, पहले क्या किया इन्होंने एक कलेक्शन किया, हम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे, मतलब बिजली के ऊपर क्यों आया। सवाल ये कर रही थी कि एक माहौल तो बनेगा ना बीजेपी के लिए, जब मैं आपके मुद्दों की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बैन, बीजेपी के रथ, बीजेपी केवल जी हंस रहे हैं, जब जनता के बीच जाएंगे और ये कहेंगे कि जनता के लिए ये योजनाएं हम लेकर आए थे, अगर आपको फायदा मिल गया है तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो अब आपको फायदा मिलेगा, तो उसका तो इम्पैक्ट रहेगा चुनाव पर भी। 400 करोड़ रुपए का मैंने दिखा दिया एडवर्टाइजमेंट पे, और कहते हैं ना योगी जी को एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के लिए, तो देखिए केजरीवाल सरकार भी सुर्खियों में तो रहती है। हाँ हम तो मान रहे हैं कि अभी तो अदालत की ओर से भी रीसेंट टिप्पणी की गई है, अदालत की ओर से माननीय योगी जी ने केजरीवाल जी का मॉडल कॉपी करके महिलाओं को बस यात्रा फ्री की, वो किसका मॉडल है उस पर भी तो बात कीजिए ना। योगी जी को क्या जरूरत पड़ गई कि महिलाओं को भी फ्री देने के लिए, जो फ्री के लिए कहते थे आपको बिजली फ्री देने के लिए, जिस स्टेट में ऑब्जेक्शन, चलिए मैं जादू जी से आखिरी टिप्पणी कमेंट आपका राजेंद्र जी, जादू जी हैं क्या फोन लाइन पर, वंदना भोग लीजिए आपका आखिरी कमेंट।
देखिए इन्होंने मीटर को लेकर बहुत बड़ी बात करी, लेकिन शायद इन्होंने ध्यान से पढ़ा नहीं है या बताना नहीं चाहते कि एक नई योजना जरूर आई है कि स्मार्ट मीटर को लेकर, कि अगर आप मीटर के साथ कुछ छेड़खानी करेंगे तो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार को ना हम सहन करते हैं ना करने देते हैं, हो सकता है इनसे इनको तकलीफ होती होगी। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे केजरीवाल मॉडल की, पहले की मीटर के अंदर कुछ, अभी तो आप कहते मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, अभी तो आप कहते मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, अभी तो आप कहते मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, बोलना पड़ा ना आप बीच में बोलते थे, मैं चुप हो गई थी उसके बाद। ठीक है, सुनिए उसके बाद सुनिए। अच्छा अच्छा, आपका जायज है, आपका जायज है, आपका कारण जायज है, बाकी सब ऐसे। थैंक यू बताने के लिए। केजरीवाल के शिष्य हैं तो ये तो चीजें होती हैं, मैं मानती हूँ। तो केजरीवाल जी का मॉडल तो यही है कि तीन मंत्री जो हैं वो जेल में हैं, और किस प्रकार से जो वायदे कर आए थे कि बच्चों की कसम खाके कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, ये सब चीजें मेरे को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप हरियाणा फिर बोल रहे हैं आप बीच में, सुन लीजिए आप जिस वायदे को ले, आप मुझे इतना बता दीजिए, आप हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हरियाणा के हितों के बारे में सोचेंगे, हरियाणा के लोगों की बात करेंगे, लेकिन कभी भी आप एसवाईएल पर जवाब नहीं देते। एसवाईएल पर आपका क्या चाहते हैं, हमेशा पीछे हट जाते हैं। नहीं, इतना आपको समझना होगा कि हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं है। जो शीश महल आपने बनाया वो सबसे फटाफट जो बना दिल्ली में, तो वो शीश महल बना, वो हम सबको मालूम है, और यमुना आज तक साफ नहीं हो पाई। ठीक है वंदना जी, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। चर्चा हमने बीजेपी की यात्रा को लेकर की है, सरकार की यात्रा को लेकर की है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।